आज हम रेस के बारे में भी समझेंगे बहुत डिटेल में, जो साथी थोड़ा बहुत भी एसेंशन में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इस तथ्य से भी हम बहुत सारे इम्पोर्टेंट रहस्य जान पाएंगे जिसको हम एसेंशन के नाम पे सुन रहे थे और दूसरों को बता रहे थे, असल में अभी तक बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो हमारे भी क्लियर नहीं थे। सो जिन्होंने भी ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ साझा किया है उन सभी को कृतज्ञता है, क्योंकि आज हमारे अंदर भी एक बहुत अच्छी समझ प्रकट हुई है कि हम जिस भाव से इस काम में लगे हैं उसके प्रति भी हमको और एक प्रखरता मिल रही है आज से। तो पहला है पॉइंट, सोर्स जो है जिसको हम सृष्टिकर्ता कहते हैं या तो अनंत निराकार परम ब्रह्म कहते हैं, वो उसका स्वरूप जो है। अगेन अगर आपने एनर्जेटिक हार्ट का सेशन भी सुना होगा या तो एसेंशन कॉन्फ्रेंस का अगर वर्कशॉप अगर ध्यान से सुना होगा, उसमें भी जेम्स माहू यही कहते हैं कि जो फिफ्थ डिमेंशनल रियलिटी है जिसको हम पाईडी कहते हैं, वहां का जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ दो चीजों के ऊपर आधारित है, एक है लाइट दूसरा है साउंड। वहां पे कोई भी चीज फिजिकल रूप में अवेलेबल नहीं है। तो सोर्स का जो काम है, जो एकदम से सेंटर में वो है, जो जिसको हम अनंत शून्य कहते हैं, वो एक एब्सोल्यूट फॉर्म है। दैट मीन्स एब्सोल्यूट इन द सेंस वो सभी के अंदर समाया हुआ, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी देवी देवता के रूप में प्रकट हो रहा हो या किसी भी चीज में प्रकट हो रहा है। नो, उसके अंदर भी सोर्स है। इवन अगर कोई भी सृष्टि में चीजें, जैसे हम कुछ भी देख रहे हैं या तो किसी भी चीजों को सुन भी रहे हैं, तो इस आधार पे हम एक चीज को तो समझ सकते हैं कि प्रकाश और शब्द दोनों में ही सोर्स जो है इस सृष्टि में इंटरैक्ट करता रहता है। दूसरा क्या है, उसका अगर ठीक ऑपोजिट चीज देखें तो वो है लर्कर, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एनामली, जो सभी के अंदर है। जैसे सोर्स भी सभी के अंदर है, वैसे लर्कर या तो प्राइमरी एनामली भी सभी के अंदर है। तो लर्कर या तो प्राइमरी एनोमली का क्या क्वालिटी है या तो क्या एस्पेक्ट है, वो है कंटिजेंसी, यानी कि सबके अंदर एक स्पार्क, मतलब जो उकसाने का जो भाव है। दूसरा है जिसको हम सेंसलेसनेस कहते हैं, मतलब वो पूरी तरह से सुसुप्त है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट है डीप स्लीप, यानी कि मैट्रिक्स में आप उसको रियल मानकर उसी के ही सृष्टि को एंजॉय करते रहोगे। ये है असल लर्कर या तो प्राइमरी एनोमली का काम। तो दो चीजें ऑपोजिट हमने अच्छी तरह से समझ गए। फिर जब सेकंड पॉइंट पे जाते हैं तो सोर्स क्या कर रहा है वर्तमान की स्थिति में, वो डायरेक्टली इंटरवीन कर रहा है इस यूनिवर्स को व्यवस्थित करने में। ये चीज हमने बहुत बार गैलेक्टिक इवेंट के नाम पे सुना है, लेकिन आज उसको हम बहुत तह तक समझेंगे। क्या है कि वर्तमान स्थिति में लाइट फोर्सेस ये कह रहे हैं कि वर्तमान का जो समय है, जो आया है, वो समय है हम खुद को हील करें, रिकनेक्ट करें अपने ही हायर सेल्फ को, जो मेडिटेशन आज ही शेयर की गई और उसका जो पूरी विवरण जो है हमने फोर्थ डे एसेंशन कॉन्फ्रेंस का जो वर्कशॉप किया, फोर्थ डे में उस चीज को बहुत ही डिटेल वे में समझाया है। जो भी व्यक्ति देखना चाहे उस वीडियो को फ्रीली देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। और इन दोनों चीजों से असल में क्या होगा कि जो अपने अंदर का जो डिवाइन है, जो सोर्स है आपके अंदर, उसका अवेकनिंग होगा। हम कहते हैं कि मनुष्य की जागृति होगी, कॉन्शियसनेस की जागृति होगी। असल में जो सोर्स की चेतना हम सभी के अंदर है, उसकी जागृति ही ये महान जागृति का एक मेन आधार है। यहाँ कोई नहीं जाग रहा है,
सिर्फ आपके अंदर आपके थ्रू सोर्स जागृत हो रहे हैं, और जो लर्कर इस सिस्टम में जो है उसको वो हटा रहा है। तो दैट मीन्स आप सिर्फ एक माध्यम है, आपका हृदय के अंदर जो सोर्स बैठा है उसकी जागृति जैसे जैसे होगी, आपका जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जितने जितने हील होंगे उतना ही वो दिव्य या तो वो अवतार प्रकट आपके अंदर से ही होगा, क्योंकि उतने सारे दिव्यतापूर्ण काम आपके अंदर होना है। तो आज ही हमने वो मेडिटेशन शेयर किया, हो सकता है बहुतों को एक स्पार्क मिली हो या तो एक्सपीरियंसेस मिली हो। अगर साथियों को जो भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो आज इस सेशन में प्रश्न उत्तर के समय में शेयर कर सकते हैं। अगर आप सभी को वो मेडिटेशन हृदय को छुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिखकर उसका अभिवादन बता सकते हैं कि सही में ये एक पावरफुल टेक्निक है। इवन मैं विजय भाई का भी ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ, कल रात को ही उन्होंने मुझसे वो मैसेज शेयर किया कि वो भी एक मार्ग ढूंढ रहे थे। उन्होंने कोबरा से जब संपर्क किया उसने एक ही शब्द उसने उत्तर दिया, और उनका प्रश्न था मुझे एक मार्ग एक पॉइंट बताइए जहां से मैं अपने दिव्य रेस्पॉन्सिबिलिटी को जान सकूं, या तो मैं अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो सकूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं मैं पता कर सकूं। सो उसका एक ही वर्ड का उत्तर था, वो है ओम। यही है कि जो हम सभी जो खोज रहे हैं हम एक ही पॉइंट को खोज रहे हैं, भले अलग अलग स्रोत से आ रहे हैं बट मिलना हम सभी को एक ही पॉइंट पे है। सो यहाँ पे लाइट फोर्सेस और एक अपडेट देते हैं कि जो सोर्स का जो विल है जिसको हम डिवाइन विल भी कहते हैं वो हम सभी के थ्रू मैनिफेस्ट होता है, और यूनिवर्स को क्या करता है वो ऑर्गेनाइज और हार्मोनियस करता है। किसके थ्रू? प्रकाश के थ्रू, क्योंकि प्रकाश का ही एक आधार है जहां से फिफ्थ डायमेंशन से जो निचले सारे डायमेंशन में सोर्स जो है इंटरैक्ट करता है। तो प्रकाश के को हम क्या बोलते हैं? रे के। तो उसमें बताया गया है कि 12 अलग अलग रे हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग भी जो साथियां ने वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया तो उनको बताया गया कि रे इनिशिएशन में टोटल 13 रे है, 13 प्रकाश है, अलग 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 नाम है। सो वो असल में वो है क्या? वो यहाँ पे हमको पता चलती है कि 12 हार्मोनियस रे है, यानी कि दैविक प्रकाश है जिसके थ्रू सोर्स जो है इस धरती पर वो इंटरैक्ट कर रहा है, और वो रे से हम सभी कनेक्टेड। और जब हम उसको तह तक रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि वो 12 प्रकाश हमारे ही 12 राशियों का प्रतिरूप है जिसको हम आर्कियोटाइप कहते हैं। तो कितना जोड़ देखिए, और हर चीज में हम अगेन अपने मूल स्वरूप से ही जुड़ रहे हैं। और प्रश्न उठेगा कि 13वां कहाँ गया? 13वां डायरेक्ट सोर्स का रे है, और वो है असल में विल ऑफ सोर्स। सोर्स का जो मूल इच्छा है 13वां रे के थ्रू वो इस धरती पर आती है। तो इन सभी के अलग अलग कलर हैं, अलग अलग एस्पेक्ट भी है, उसको भी हम अगले स्लाइड में हम देखेंगे। लेकिन हम सभी के अंदर ये भी प्रश्न होगा कि जो वायलेट फ्लेम करते हैं, बहुत सारे साथियों को वो भी एक भ्रांति है कि वायलेट फ्लेम हजारों टाइम से करते हैं, अलग अलग करते हैं, वो असल में है क्या? अगर उसको साइंटिफिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों को मिलन करके देखें तो लाइट फोर्सेस बताते हैं ये है सेवेंथ रे, सातवां प्रकाश है जिसको वायलेट फ्लेम कहते हैं, और वो हमारा मैनिफेस्टेशन पावर को वो बढ़ाता है। तो जो भी हम बुद्धि कॉलम करते हैं, वो गॉडेस वोर्टेक्स करते हैं, उन सभी के अंदर जिस जिस मेडिटेशन में हम वायलेट फ्लेम को
पुकारते हैं या तो इन्वोक करते हैं, आह्वान करते हैं, तो वो असल में अपने ही मैनिफेस्टेशन पावर को अंतर जागरूक करते हैं। दूसरा क्या है, जो हम वाइट फायर ऑफ एन को पुकारते हैं या तो इन्वोक करते हैं, वो है असल में सोर्स का 10वां रे, 10वां प्रकाश। और वो किसको ये करता है, हम सभी के अंदर इंटीग्रेट होना, यानी कि समन्वय लाना। तब आप मूल स्वरूप को पहचान सकते हैं कि मनुष्य का जो कल्पना है उसका मेन पावर है, वो कहाँ से आ रही है, सोर्स के इसी 7वें प्रकाश से जिससे हम मैनिफेस्ट करते हैं। सोर्स का जो ओपलेसेंट व्हाइट लाइट है जिसको हम 10th रे कहते हैं, व्हाइट फायर ऑफ एन कहते हैं, वो हमें इंटीग्रेट करता है, यानी कि एकजुट करवाता है, समन्वय लाता है। तब आप समझ पाते होंगे कि इन सारे मेडिटेशन के द्वारा हमारे ही आंतरिक जो सोर्स का जो कैपेबिलिटीज हैं उनको जागृत किया जाता है। तब और आगे जो हम उस चीज को समझते हैं तो पता चलता है ये जो 12 प्रतिरूप हैं, क्योंकि हर रे का भी अलग अलग सेक्रेट ज्योमेट्री है, उसको भी शेयर किया जाएगा जो जो लोग उसका इनिशिएशन लेंगे। तो ये जो 12 प्रतिरूप हैं वो असल में किसको रिप्रेजेंट कर, तो पता चलता है कि ये सारे यूनिवर्स, सारे जितने नक्षत्र मंडल है जिनको कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, सारे तारा पुंज जिसको हम स्टार सिस्टम कहते हैं, सारे सोलर सिस्टम जिसको हम सोलर, ये मतलब जो ग्रह पुंज भी कहते हैं उसको, और सभी के अंदर ये रे को सोर्स से लाकर इन सभी के अंदर प्रकाश कर सके, ये 12 अलग अलग रेज हैं जिससे सोर्स डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है हमारे ही पूरे सिस्टम को। तो ये जो 12 नक्षत्र भी है वो असल में डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है इसी 12 रेज को। तब आप समझ सकते हैं इसमें हमारा एस्ट्रोलॉजी भी है, सेक्रेट ज्योमेट्री भी है, फिजिक्स भी है, इवन जियो फिजिक्स भी है, और सभी साइंटिफिक आधार को लेकर जो स्पिरिचुअलिटी से भी हम कनेक्ट कर सकें ऐसे तथ्य हैं। तो चौथा पॉइंट हम आगे देखते हैं कि हमको ये पता है कि एंटायर क्रिएशन जो है वो फ्रैक्टल है। फ्रैक्टल मतलब जैसे अगर हम हाँ गूगल में स्ट्रक्चर को देखते हैं, गैलेक्सी बार सर्च करेंगे, सर्च मारेंगे तो एक पूरा घूमता हुआ एक खगोलीय चित्र दिखाएगा, तो वो असल में फ्रैक्टल का चित्र है। सो वो जो फ्रैक्टल है वो हम सभी के अंदर है, जिसको हम कहते हैं यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे। हमारे अंदर भी ऐसे गैलेक्सीज हैं उन सभी के एनर्जी से, जैसे हम अनंत कोशिकाओं के लिए एक हायर सेल्फ है, तो हमारे अंदर भी एक गैलेक्सी या तो पूरी एक सृष्टि वो सांस ले रही है। तो हम सभी के अंदर क्या है कि एक रे जो है वो हमेशा डोमिनेटिंग रहता है, मतलब सबसे ज्यादा जागृत अवस्था में रहता है। जैसे जिसको हम और डिटेल वे में मैंने इधर लिखा नहीं, बट उसको पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि वो जो एनर्जी है हम सभी के अंदर, वो एक स्पेशल एबिलिटी भी है और उसका वीक पॉइंट भी है। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा चित्र बना सकता है, तो उसका कोई दूसरा नेगेटिव पहलू भी है, दूसरा साइड भी है, जिससे वो एक उसका ठीक ऑपोजिट भी है। दैट मीन्स आप इससे समझ सकते हैं कि द्वैत जो है हमारे अंदर भी बसता है। किस तरह सोर्स से ही बनाया हुआ जो लर्कर है वो हमारे अंदर भी है, इसलिए वो वीकनेस को दिखाता है। जो सोर्स के एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है वो है हमारी डिवाइन एबिलिटी। और इसी बात, ये जो सारे 12 रेज हैं, जो प्रकाश है वो हम सभी के अंदर बसता है, और ये जो समय में हम ये करने जा रहे हैं या तो जो भी व्यक्ति इसमें भाग लेंगे या लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक संदेश है। इन सभी के थ्रू जो भी रेस हम सिलेक्ट करेंगे उनका अलग अलग एक
एक एस्पेक्ट है, वो हम आगे जानेंगे। वो पर्टिकुलर जो स्किल है या तो एनर्जी है, वो उसके अंदर चेतना के रूप में प्रकट होगी। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा चेतना बढ़ने में भी वो मार्ग खोलेगा, क्योंकि जो जो 12 अलग अलग प्रकाश है जिससे सोर्स इंटरेक्ट करना चाह रहा है या करता भी है हर एक यूनिवर्स के अंदर, उसका बस हमारे अंदर कनेक्शन तैयार करने का प्रोसेस को हम रे इनिशिएशन कह सकते हैं। हायर प्लेन में, यानी कि हर एक डायमेंशन में अलग अलग प्लेन है, जैसे ये फिजिकल प्लेन है यानी कि जो भौतिक जगत है, ऐसे अनेक जगत हैं अलग अलग डायमेंशन। तो जैसे जैसे हायर प्लेन होता है, मतलब हायर कॉन्शियसनेस होती है, वो लाइट फोर्सेस बताते हैं कि वो उतना ज्यादा विभेदीकरण नहीं हुआ, वो लेस डिफरेंशिएटेड है, सबसे लचीला है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वहां ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा वहां पे जो कॉन्शियसनेस है यूनिफाइड है, मतलब सामूहिक है और कोहेसिव है, केंद्रित है और हार्मोनियस भी है, यानी कि उसमें हमेशा सुख शांति बनी रहती है। क्यों? प्रश्न उठता है क्यों, क्योंकि वो जितना हायर है वो उतना ही वननेस के स्टेट में, जितना हायर है उतना दूर है लर्कर से, उतना पास है सोर्स से। तब जब डाउन दी प्लेन देखते हैं, तब लाइट फोर्सेस कहते हैं कि ये ऊर्जा बहुत ही डिफरेंशिएटेड है, सेपरेटेड है, टेंसाइल है, टेंसाइल मतलब बहुत ही जटिल और जगड़न वाली, नॉन हार्मोनियस है, उसमें कोई सुख शांति है ही नहीं। ये किस वजह से? वो है लर्कर के वजह से, क्योंकि एक और सोर्स भी नीचे है जो सोर्स का ही रिप्रेजेंट कर, एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बट नेगेटिव है। तब आज हम अच्छे से समझ पाए कि ये एनर्जीज, हम जैसे जैसे हमारी चेतना उठती है, हम उतना इजीली सोर्स से कनेक्ट होते हैं। इसी 12 रेस या 12 प्रकाश के थ्रू हमारी चेतना में अलग अलग स्किल्स एबिलिटी डेवलप होती है। और जब हम बहुत सारे ये स्पिरिचुअलिटी को सुनते हैं, तो हम कहना शुरू कर देते हैं कि ये मेरा हायर सेल्फ है, वो तेरा हायर सेल्फ है, वो उसका हायर सेल्फ नहीं। इस फिजिकल प्लेन में हमारा एक ही हायर सेल्फ है, इट इज आवर हायर सेल्फ। यानी कि हम जब जैसे जैसे सामूहिक चेतना से जुड़ेंगे, तब वो सामूहिक चेतना ही एक हायर सेल्फ है। सो हम सभी के अंदर जो अलग अलग भागों में बटी हुई है, जब वो चेतना एक होगी तो एक ही हायर सेल्फ होगी, क्योंकि वो फिजिकल प्लेन का वो हायर सेल्फ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में वो बताते हैं कि वर्तमान के समय में सोर्स जो है वो इनकार्नेट हुआ है। किसके स्वरूप में? हम सभी मनुष्य के रूप में सोर्स जो है अपने ही अंदर वो जन्म लिया है। किसके थ्रू? इसी दैविक 12 प्रकाश के थ्रू, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन से थर्ड डायमेंशन आने के लिए उसको प्रकाश के रूप में उसको बटना पड़ेगा। तो हम सभी के अंदर जो एक एक प्रकाश जो डोमिनेटिंग एनर्जी में है, उसी के थ्रू ये सोर्स ने जन्म लिया है। तो अगेन, अगर डॉक्टर नरूटा को भी अगर इजीली समझा जाए, तो यहाँ पे जो भी अवतार को हम खोज रहे हैं, असल में सारा ह्यूमैनिटी ही वो पूरा अवतार है। इसीलिए बहुत सारे जगहों में कहा गया कि भगवान इंसान जैसा क्यों दिखता है। सो यही एक रूप है जिसके थ्रू वो इंटरवीन कर रहा है इस मूल पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि उसको पृथ्वी का ही शिफ्ट करवाना है। तो वो डायरेक्टली थोड़े आएगा, वो हम सभी के थ्रू जो उच्च स्तरीय चेतना है उसके थ्रू वो इंटरेक्ट करने वाला है। तो हम सभी यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं इस समय काल में, इस टाइमलाइन में? इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमको ये डिवाइन रेज को एंकर करना है। टोटल 12 13 जितना भी प्रकाश है, उन सबको एंकर करके इस धरती को एक बनाना है, क्योंकि हमारे अंदर एक एक डोमिनेटिंग एनर्जीज हैं, एक एक डोमिनेटिंग रेज हैं। उसी को ही जब हम रिकनेक्ट करेंगे,
तो सोर्स आपके द्वारा धरती के कोर तक पहुंचे, जिसका मेडिटेशन में हम हमेशा विजुअलाइज करते हैं कि हमारा सेंट्रल चैनल चक्रा के थ्रू हम वो जो डिवाइन लाइट है उसको धरती के कोर तक पहुंचा रहे हैं। इससे हमको ये एक मैसेज मिल गया है कि जैसे जैसे हमारा इनर गाइडेंस डेवलप होगा, हम उतना ही धरती को हील कर सकते हैं। किसके माध्यम से? जाकर टच करके हील करना? नहीं, हमारे ही जो ध्यान का प्रोसेस है, जिसको हायर सेल्फ मेडिटेशन कहा जाए, जो भी हम बुद्धि कॉलम है, गॉडेस वर्टेक्स है, उन सभी से जब हम उस डिवाइन लाइट को अपने अंदर से अलाउ करते हैं धरती तक पहुंचे, दैट इज द डिवाइन सर्विस, दैट इज द हीलिंग ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर क्या होगा कि उसी डिवाइन रेस्पॉन्सिबिलिटी या तो जिम्मेदारी को जो हम निभाते हैं, यहाँ इस धरती पर कलेक्टिवली रीऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता रहेगा। और जो वर्तमान में अभी हम हैं, इस प्लानिटरी लेवल पर हैं, मतलब धरती के जगत पर हैं, इस पृथ्वी पर, लेकिन हमारा जो गति है, जो जिसको हम एसेंशन कहते हैं, जो चेतना का जो यात्रा है, वो क्या है? वो हमेशा हायर प्लेन में जाता रहेगा, क्योंकि चेतना हमेशा ऊपर उठती है। तो क्या है कि वर्तमान जो सिचुएशन में हम सभी हैं, जो इम्पोर्टेंट, हमेशा हम कोई भी डिस्कशन में फंसते नहीं, या तो ग्रुप में कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं उसको इनिशिएट नहीं करते, क्योंकि हम एक ऐसे क्रुशियल टाइम में हैं जहां पे ये प्लानेटरी लेवल से उठकर एक हायर प्लेन में जाने के लिए हमारा चेतना तैयार हो रहा है। अगर हम पुरानी ही चीजों को अगर ग्लोरीफाई करते रहेंगे, देन यहाँ का इवोल्यूशन बंद होकर अगेन कहीं और थ्री डायमेंशनल रियलिटी को भोगेंगे। अगर वो भी अगर तैयार नहीं हुआ तो उसका इवोल्यूशन तक रुक सकता है। तो हमारा वर्तमान का क्रुशियल पॉइंट क्या है? धरती के ऊपर ये जिम्मेदारी को निभा के हमारी चेतना को इतना उठाएं ताकि उस हायर सेल्फ के अंदर हम मर्ज हो सके, जो ध्यान आज हम सभी के साथ बांटा गया लाइट फोर्सेस के द्वारा। तो उसी प्रोसेस से हम उसी हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं और उसमें मर्ज होते हैं। तो देखिए कि हमारा ही इनर गाइडेंस, या तो इनर रेडीनेस कह सकते हैं, आंतरिक जागृति, कि जैसे जैसे हम तैयार हो रहे हैं, हमको आराम से वो सारे ध्यान की प्रक्रिया मिल रही, हमको वहां पे कोई किसी के पीछे नहीं पड़ना, किसी के पैर नहीं पकड़ना, किसी को जी हुजूरी नहीं करना, वो सारे ध्यान की प्रक्रिया हमको स्वतः इसीलिए मिल रही है क्योंकि आपका अंदर का जो इनर सेल्फ है वो तैयार हो रहा है उसको ये धरती पे अपना काम निपटा के हायर प्लेन में जाने का। तब क्या है कि ये जो पॉइंट है, ये जो इंसेप्शन पॉइंट है, यहां से जो बदलाव होंगी वो बहुत ही बड़े तरीके के बदलाव होंगे और एक डेफिनाइट चेंजेस लाएंगे, जो धार्य किया हुआ है आपके ही इनर सेल्फ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है ये वर्तमान का जो ट्रांजिशन है, धरती का भी, हमारा चेतना का भी, ये जो ट्रांजिशन है ये असल में इस डिवीजन या तो डुअलिटी को खत्म करने के लिए ही वो आया है। तो इन सभी तथ्यों को जोड़िए और एक बात हम पता कर सकते हैं कि यहाँ कोई अवतार नहीं आने वाला है। सोर्स इंटरवीन करने के लिए जो ऊर्जाएं जो भेज रहा है, यही रेज के माध्यम से हमारे अंदर की अंतर जागृति करके वो हमारे ही थ्रू इस दुनिया पे इंटरवीन करने वाला है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये रे इनिशिएशन हो या अंतर जागृति हो, या हम जो भी ध्यान मेडिटेशन करके खुद को जगा रहे हैं अपने अपने लेवल पर, वो कितना महत्वपूर्ण। हम खुद इस द्वैत को खत्म करने सोर्स के द्वारा ही आए हैं और हमारे अंदर ही वो सोर्स सांस ले रहा है। और जब ये प्रोसेस पूरी तरह से हम समझ लें, तो एक बात तो ये भी समझ जाएंगे कि
ये एक ब्रिजिंग पॉइंट बना रहा है, कहाँ, इस धरती और एक हायर डायमेंशन के बीच में एक ब्रिज बना रहा है, हमारे लिए एक रास्ता बना रहा है जिसके थ्रू एक लोअर प्लेन से हम हायर प्लेन में उद्गम कर सके। उद्गम को ही असेंशन कहा गया, और इसको कहा जाता है रेनबो ब्रिज। रेनबो ब्रिज का भी एक एक डिवाइन प्रोसेस होती है, और उसी रेनबो ब्रिज का एक और एक पार्ट को भी हम डेली हम अभ्यास करते हैं, वो है गॉडेस वोर्टेक्स टेक्निक, जिससे हम जब जब हम उसको इन्वोक करते हैं, उस मंत्रा को, तब हम विजुअलाइज करते हैं कि हमारे हार्ट से एक रेनबो कलर का एक वोर्टेक्स या तो ऊर्जा की तरंग जो है हम पूरी दुनिया में बिखेर रहे हैं। वो असल में आपका डिवाइन सर्विस है धरती के प्रति, और उसी सर्विस से आप अपना रास्ता बना रहे हैं इस प्लेन को छोड़कर हायर प्लेन में जाने का। एक साथ एक ही विधि और अभ्यास के माध्यम से सिर्फ बता दी गई है कि ये मेडिटेशन है, लेकिन ये उस चेतना का दैविक यात्रा है जो आप धरती के प्रति निभा भी रहे हैं, अपना रास्ता बना भी रहे हैं।